हमारे पे निगरान है, हमारे एक एक एक्शन को खुद नोट, खुद अपने किए हुए कामों को खुद नोट कर रहा है। यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अरजुलुहुम बिमा कानू यअमलून। ये वो दिन आ रहा है जिस दिन इंसानों के हाथ, इंसानों के पांव, इंसानों के इंसान के आजा, उनके उनकी खाले, उनकी खाल का एक एक बाल इंसान के खिलाफ गवाही देगा और उसकी बेहयाई को बताएगा, उसके आमाल की गवाही देगा। और हालांकि हालांकि अगर वो गवाही ना भी दे, जमीन गवाही ना भी दे, इंसान का नाम आमाल तो खुद एक गवाह है, लेकिन उसके बावजूद इंसान को ये समझाने के लिए कि जिन जमीनों के ऊपर तुमने लगाया, जिस बदन के ऊपर तुमने लगाया, जिन जिन चीजों को तुम अहमियत देते थे, देखो जिस नजर से तुम उसको देखते थे वो वैसी नहीं थी। वकालू लिजुलूदिहिम, और इंसान अपनी खाल से कहेगा, ये बात समझ नहीं आती इंसान को आज, खाल से कैसे बात करेगा इंसान, अपने बाल से कैसे बात करेगा इंसान, अपने पांव से, अपनी टांग से, अपने हाथ से कैसे बात करेगा। वकालू लिजुलूदिहिम, इंसान कहेगा अपनी खालों से। हर चीज के अंदर इंसान लॉजिक तलाश करता है, क्योंकि मटेरियल को इतना आम किया गया, इंसान सिर्फ मटेरियल को समझता है, बस सिर्फ लॉजिक को समझता है। अगर बात समझ आती है तो उसको मानता है, अगर बात समझ नहीं आती है तो नहीं मानता। कब्र के तज़किरे, कब्र के अजाब, जहन्नम के अजाब, जन्नत की नेमतें, ये सब इंसान को जल्दी समझ में नहीं आता, इसलिए कि दिखाई नहीं देता। इंसान उसके पीछे लॉजिक तलाश करता है, और दुनिया का नफा इन्वेस्टमेंट करेगा तो कुछ फायदा होगा, फलानी जगह पर जाएगा आग लगी होगी तो जलेगा, छुरी से हाथ कटेगा तो खून बहेगा, रग कटेगी तो इंसान मरेगा। ये सब चीजें इंसान क्यों जानता है, क्यों समझता है, इसलिए कि ये चीजें इसको दिखती। एक आम इंसान जिसके बात पर ज्यादा एतमाद नहीं किया जा सकता, अगर आके मुझे कहे या आपको कहे फलानी जगह मत जाओ वहां गोली चल रही है, या फलानी जगह मत जाओ वहां आग लगी है, अगर उसने झूठ भी बोला होगा हम अपने आप को पीछे रोक लेंगे। क्यों? इसलिए कि रीजन है, लॉजिक है, हाँ हो सकता है ऐसा हो। मोहसिन इंसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात कहे, अल्लाह की किताब कोई बात कहे, इंसान चूंकि सिर्फ मटेरियल को जानता है, इंसान सिर्फ लॉजिक को मानता है, रीजन को समझता है, तो उन चीजों को मानने के लिए तैयार नहीं होता जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता कर गए, जबकि वो तो वो हैं सादिकुल मस्दूक, जिनकी एक एक बात, जिनकी बात का एक एक हिस्सा और जिनकी एक एक आयत सच्ची है। हम नहीं मानते, और ना मानने का मतलब ना मानना नहीं, ना मानने का मतलब उसकी तैयारी नहीं करते। अब इंसान सोचे कि खाल से कैसे बात करे, तो अल्लाह ने जवाब दे दिया, और जवाब भी दिलवाया किससे, उसी खाल से ही, खुद नहीं, खाल से ही जवाब दिलवाया। वकालू लिजुलूदिहिम, इंसान कहेगा अपनी खालों से। वकालू लिजुलूदिहिम लिमा शहीदतुम अलैना, पहले तो ताज्जुब हुआ कि बात कैसे हो रही है, उसके बाद लेकिन अभी ये बोट ऐसा वक्त नहीं जिसमें यह पूछे कि आप बात कैसे कर रहे हो, क्योंकि अभी तो अपना मसला है, अभी तो इंसान फंस गया रब के सामने, अब जहन्नम के फैसले होने वाले, तो अब उसको ताज्जुब इस बात पर नहीं हो रहा ज्यादा कि बोला कैसे, बल्कि ताज्जुब इस बात पर हो रहा है, खौफ और डर इस बात का है कि क्या क्या बोल रही है, क्या क्या गवाही दे रही है, वो सब जो पर्दे लगाकर छुप कर किया, वो सब जो मेरे दोस्तों को पता नहीं, वो सब जो मेरे माँ बाप को पता नहीं, वो सब जो मेरे उस्तादों को पता नहीं, वो सब जो मेरे शागिर्दों को पता नहीं, जो मैंने खामोशी के साथ किया, जो मैंने तन्हाइयों में किया, मैंने तो सबसे छुपा के रखा था। लिमा शहीद तुम अलैना, तुमने आज मेरे खिलाफ गवाही क्यों दी। अब जो खाल जवाब दे रही है आगे से इंसान को, वो दोनों जवाब है, ये भी के बात कैसे मुमकिन हुई और ये भी के गवाही क्यों दी, ये भी के बात कैसे मुमकिन हुई और ये भी के गवाही क्यों दी। कालू अंतकन अल्लाहु अल्लज़ी अंतक कुल शै, खाल कहेगी, बाल कहेंगे, आजा कहेंगे, देखो अगर हमें दुनिया में बोलने की इजाजत होती तो हम तो तुझे दुनिया में भी उन बेहयाइयों से रोक देते, दुनिया में हमें बोलने की इजाजत नहीं थी, दुनिया में हम में से सिर्फ एक जुबान को बोलने की इजाजत थी, और उसको आपने कैसे कैसे कामों में लगाया,
हम में से किसी को, किसी बाल को, किसी खाल के किसी हिस्से को, बदन के किसी और उज्व को बोलने की इजाजत नहीं थी, लिहाजा हम खामोश रहे, हम देखते रहे कि आप क्या कर रहे हैं। आज के दिन में अंतकनल्लाहु, अल्लाह ने हमें बुलवाया है, अल्लाह ने हमें बुलवाया है, अंतक कुल्ल शय, और दुनिया में जितने आपको बोलने वाले नजर आते थे उन सबको भी अल्लाह ने बुलवाया था। जब अल्लाह ने उनसे बुलवाया था, अल्लाह ने ही आज हमसे बुलवाया है, जब हमारा रब हमसे बुलवा रहा है तो हम तो बोलेंगे, हम तो बोलेंगे। और जमीन तो उसी वक्त बोल चुकी थी जब जमीन को पैदा किया गया, आसमान को पैदा किया गया, और जमीन और आसमान को उसके रब ने पुकार कर कहा, ए जमीन और आसमान, इतिया तो अन अव कर रहा, चलो अपने काम में लग जाओ, चलो अपने काम में लग जाओ, तो अन अव कर रहा, तेरा दिल चाहता है तब भी, नहीं चाहता है तब भी। अब जमीन की कोई हिम्मत है अल्लाह के सामने नाफरमानी करने की, या आसमान की कोई हिम्मत है अल्लाह के सामने नाफरमानी करने की? लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ऐसे मुखातिब किया, दिल चाहता है तब भी चलो, नहीं चाहता तब भी चलो, तुम्हें इंसानों के काम आना है। तो जवाब आया, कालता, जमीन और आसमान ने बैक वक्त कहा, अतैना ताईईन, ए अल्लाह जो काम आप हमारे सुपुर्द कर रहे हैं हम मुकम्मल खुश दिली के साथ उसको करेंगे। और वो काम यही था, यही काम था, देखो तेरी पुष्प